राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ ने राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें विपणन संघ के किसान समृद्धि कार्यक्रम में सूबे की सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह और कृषि मंत्री सचिन यादव भी मौजूद रहे। इस मौके पर सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि मेरी राजनीति की शुरुआत सहकारी विपणन संघ से हुई थी। आज के समय समाज में सबसे पीड़ित कोई व्यक्ति है तो वो किसान है। प्रदेश में विपणन की 249 संस्था है, लेकिन उनमें से कई संस्थाएं बंद हो गई, इनको वापस चालू करवाना हमारा मकसद है। इसलिए होंगे हमारी ये, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि हमारी ये तीन क की सरकार है, क से किसान, क से कांग्रेस, क से कमलनाथ जी की सरकार है, और इस सरकार के केंद्र बिंदु में अगर कोई होगा तो हमारा किसान होगा। और हमारी जो किसानों को के खातों में जो ऋण माफी की राशि पहुंचाने की प्रक्रिया की शुरुआत जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी रतलाम से करी है, उसके बाद लगातार हमारे आयोजन हर तहसील स्तर पर हो रहे हैं। ये हमारी एक प्रक्रिया है जो निरंतर जारी रहेगी, और जब तक हमारी सरकार एक एक पात्र किसानों के खातों में जो ऋण माफी की राशि नहीं पहुंचा देती, तब तक हमारी सरकार आराम से बैठने वाली मंजूरी है।